हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे ही होंगे। आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर का रेडियस रेशियो जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड ज़रूर आते हैं, और मतलब ज़्यादा लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस इस पर नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके रेडियस रेशियो बेस्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर आपका कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। तो देख सकते हैं, जो रेडियस रेशियो है वो कैटायन एंड एनायन की रेडियस का रेशियो होता है, इसको हम रेडियस रेशियो बोलते हैं। रेडियस रेशियो से जो आपका सॉलिड है उसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट पता हो सकता है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो सकती है, और जो आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है या अरेंजमेंट है उसमें ये भी पता हो सकता है कि कैटायन आपका टेट्राहेड्रल वाइड में गया है या फिर ऑक्टाहेड्रल वाइड में गया है। तो देखिए, इसमें जो चीज़ें आपको लर्निंग स्किल की हैं वो एटलीस्ट आपको लर्न रखनी ही होंगी। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो रेडियस रेशियो है वो कैटायन एंड एनायन की रेडियस का रेशियो होता है, और कैटायन और एनायन आपके कहाँ होते हैं? आयनिक सॉलिड्स में होते हैं। तो ये जो आपका रेडियस रेशियो है ये केवल आयनिक सॉलिड्स के लिए ही अप्लीकेबल होता है। अब देखिए, ये जो आपका रेडियस रेशियो है इसका अप्लीकेशन क्या है? देखिए, जो आपकी रिलेशन है, जो आपके वॉइड्स होते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, वाइड्स एंड जो आपके स्फेयर हैं, जो एटम्स हैं जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं जिनके बीच में वाइड बनता है, तो वाइड एंड वाइड की रेडियस एंड एटम्स की जो रेडियस है उसके बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें रेडियस रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है द रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ वाइड एंड स्फेयर। स्फेयर में आपका एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। इन क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियस रेशियो, यानी कि जो रेडियस रेशियो है उसका हम यूज़ करते हैं वाइड की रेडियस एंड एटम की रेडियस में रिलेशन स्टेबलाइज करने के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखिए, जो आपका वाइड है आयनिक सॉलिड्स में, वाइड में देखिए, आयनिक सॉलिड में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दो ही आपके आयन होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है कैटायन, ठीक है, और एक होता है एनायन। अब बात आती है कि कैटायन और एनायन में से जो वाइड है, जो आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, एटम्स उसमें अरेंज हैं, उसमें जो वाइड बन रहा है उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फिट हो सकता है? तो बहुत आसान है। देखिए, कैटायन्स जो होते हैं वो मोस्टली एनायन्स से क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं साइज में। तो जो वाइड बनता है वो एटम्स के कंपैरिजन काफ़ी छोटा होता है, तो वहाँ जो वाइड बनता है उसमें केवल कैटायन ही फिट हो सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आनी हैं। तो जो आपका ये एक वाइवा वाइज क्वेश्चन है, एक नंबर का पूछा भी जा सकता है कि वाइड्स को कौन फिल करता है, कैटायन या एनायन? तो मोस्टली कैटायन ही फिल करता है, एनायन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा रहे थे, रिमूवल ऑफ जो आपका इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये सब सारी चीज़ें बता रहे थे। तो वहाँ बताया था कि कैटायन और एनायन दोनों अगर अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर एटॉमिक नंबर के हैं तो उसमें कैटायन का साइज छोटा होता है एनायन से, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो कैटायन है वो अटेंड करता है वाइड्स को, चाहे आपका टेट्राहेड्रल वाइड हो या फिर आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड हो। अब देखिए, जो आपके वाइड्स हैं, ये जो आपका रेडियस रेशियो है इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड है या फिर ऑक्टाहेड्रल वाइड है। देखिए, यहाँ पर जो कैटायन है, कैटायन अगर टेट्राहेड्रल वाइड्स को अकुपाई कर रहा है या कवर कर रहा है तो उसमें जो रेडियस रेशियो है वो 0.225 आता है, हमेशा ध्यान रखिए। उसमें कैटायन की जो रेडियस है वो 0.225 टाइम्स होती है एनायन की रेडियस के। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ये वैल्यू अगर मिलती है रेडियस रेशियो में, ठीक है, या इसके आसपास कोई वैल्यू मिलती है और आपसे पूछा जाता है कि कैटायन किस वाइड को अटेंड करेगा, टेट्राहेड्रल वाइड को या ऑक्टाहेड्रल वाइड को। चलो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए, जैसे आपको दे दिया गया जो रेडियस रेशियो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का, ठीक है, वो आपका आ रहा है 0.221, इतना आ रहा है, ठीक है, आर प्लस आर माइनस। तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि बिल्कुल इसके इक्वल ही आए तभी हम उसको मानेंगे, अप्रोक्सीमेटली अगर सेम भी आता है तब भी हम मानेंगे कि ये जो आपका रेडियस रेशियो है इसके अकॉर्डिंग जो कैटायन है वो किस वाइड को कवर करेगा, टेट्राहेड्रल
वाइड को कवर करेगा। नेक्स्ट आपका है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आपको मिल सकते हैं, अभी हम न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। दूसरा आपका पॉइंट ये है कि कैटायन अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर कर रहा है तो उसमें जो रेडियस रेशियो है 0.414 आता है, तो ये जो 0.414 है ये एक वैल्यू है, एक बेसिक वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसे आपको लर्न रखना है। और जब ये आपको लर्न होगी तो इसके आसपास भी अगर कोई आपका रेडियस रेशियो आता है या कोई कैटायन इस तरह से हो जाता है तो वहाँ पर आप तुरंत बता सकते हैं कि ये जो आपका कैटायन है ये टेट्राहेड्रल वाइड को ही, सॉरी एक ऑक्टाहेड्रल वाइड को ही अटेंड करेगा, टेट्राहेड्रल वाइड को नहीं अटेंड करेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये वैल्यू आपकी ज़्यादा आ रही है, ये वैल्यू कम है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है बड़ा होता है साइज में टेट्राहेड्रल वाइड से। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था, शायद आपको वर्कशीट में इस तरह का क्वेश्चन भी मिला हो, तो यहाँ पर रेडियस रेशियो से उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये आपका वाइड बड़ा होता है, ये वाइड छोटा होता है। नेक्स्ट, इसमें एक रेडियस रेशियो टेबल है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंटेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलने हैं, मल्टीपल चॉइस, एसर्शन, रीजन, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप के। तो इसमें आपको क्या करना है कि रेडियस रेशियो की जो रेंज है वो आपको लर्न रखनी है। देखिए जो सबसे पहला आपका रेंज है 0.155 to 0.225, यानी कि 0.155 से 0.225 के बीच में या यहाँ से यहाँ तक जो भी आपके रेडियस रेशियो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करते हैं, ठीक है, इनके इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है, लीनियर एकदम पैकिंग होती है, वन डायमेंशनल। और ये जो आपका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है ये ट्राइगोनल प्लेनर आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी पूछ लेते हैं कभी कभी, इनके इनके बीच में कुछ भी दे देते हैं वैल्यू आपसे, कोऑर्डिनेशन नंबर और ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इनके यहाँ से यहाँ तक की रेंज में जो भी आएंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 शो करेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर उसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगी। और जो टाइप होगा स्ट्रक्चर वो B2O3 टाइप का होगा, A2O3 टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। नेक्स्ट आपका है 0.225 से 0.414, अगर ये आपकी रेंज है रेडियस रेशियो की तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 आता है और जो आपका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, ये आसान भी है, 4 मींस टेट्राहेड्रल। और जो आपका स्ट्रक्चर टाइप है वो जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर में अरेंज होता है कोई भी आपका आयनिक सॉलिड जिनका रेडियस रेशियो इन रेंज के यहां से यहां के बीच में या यहां से यहां तक आता है। नेक्स्ट आपका है 0.414 to 0.732, अगर ये आपका आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलता है हमें और जो आपका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, स्ट्रक्चर जो है वो NaCl टाइप का होता है, रॉक सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई सॉलिड जिसका रेडियस रेशियो इनके इनके इनकी रेंज में आ रहा है 0.414 से 0.732 तक, तो वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगी उसकी, उसमें जो कैटायन है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6 होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, कैटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं आयनिक सॉलिड्स में। और अभी हम आपको कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बताएंगे जिसमें आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, एंटी फ्लोराइड है, जिंक ब्लेंडे स्ट्रक्चर है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, CaCl स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी उसको रेडियस रेशियो पर ही केवल चर्चा करेंगे। लास्ट है आपका 0.732 से 1.000, तो अगर ये आपकी रेंज आती है किसी भी सॉलिड में तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमको 8 मिलता है, ध्यान रखिएगा। और जो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है वो क्यूबिक होता है और ये CaCl जो स्ट्रक्चर है इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है आपका वो अटेंड करता है जिस सॉलिड का इस रेंज में जो आपका रेडियस रेशियो है वो आता है। तो ये जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये आपको हो सकता है कैलकुलेट करवाए न्यूमेरिकल में या फिर आपको गिवन कर मतलब दे दे ऑलरेडी पहले से गिवन हो, तो आप तभी कर पाएंगे जब रेंज के हिसाब से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अच्छे से लर्न होंगे। तो ये टेबल आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए और इस डेटा को आप नोट भी कर लीजिए अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे कि जो आपका रेडियस रेशियो है उस पर बेस्ड किस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं या क्वेश्चन हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें एक न्यूमेरिकल से करते हैं इसको हम। द रेडियस ऑफ सोडियम प्लस
इज 95 पिकोमीटर एंड दैट ऑफ सी एल माइनस आयन इज 181 पिकोमीटर. प्रिडिक्ट वेदर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन ए इज 6 और 4. तो सबसे पहली बात इसमें ये हमें पता करना है कि जो सोडियम कैटायन है एन ए प्लस है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है या फिर 4 है. ठीक है, दूसरा ये है एंड प्रोडिक्ट आल्सो एन ए प्लस अकुपाई टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड. तो इसमें हमें दो चीज़ें पता करनी है. एक तो हमें ये पता करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा या 4 आएगा. दूसरा हमें ये पता करना है कि सोडियम प्लस जो आपका आयन है वो टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करेगा या फिर ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करेगा. अब ये हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे. जब रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो अभी प्रीवियसली हमने आपको एक टेबल डिस्कस की थी, उस टेबल से हम क्या करेंगे, जो आपका रेडियस रेशियो है उसकी वैल्यू को मैच करेंगे. और जब वो वैल्यू मैच हो जाएगी, जहाँ जिस रेंज में वो आ जाएगी उसी के अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेशन नंबर और वॉइड्स की हम बात करेंगे. तो देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको आप जरूर मेंशन कर लें. जैसे आपको इसमें क्या दिया है, रेडियस ऑफ एन ए प्लस, ठीक है, इसको चाहे तो यहाँ पर आर एन ए प्लस लिख सकते हैं, कितना दिया है 95 पिकोमीटर है. दूसरा जो रेडियस है एन आयन का वो क्या है, रेडियस ऑफ सी एल माइनस, इसको हम आर सी एल नेगेटिव शो कर सकते हैं, 181 पिकोमीटर. रेडियस रेशियो निकालते हैं, आर एन ए प्लस सी एल माइनस, यहाँ ये वैल्यूज जो आपको गिवन है वो रख दीजिए, 95 अपॉन 181. इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए ऊपर जो लिखा है नीचे जो वैल्यू लिखी है उसका जस्ट आधा है, तो ये 0.5 समथिंग कुछ आएगा. तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.524, ये आपका आया. अब ये जो रेंज है ये किस, जब आप टेबल अभी पढ़ रहे थे, हम जब टेबल डिस्कस कर रहे थे तो ज़रा उसमें देखिए कि ये जो आपका वैल्यू है ये किस रेंज में आ रहा है. 0.524 है, 524 आपकी जो रेंज है ये किस में आती है, 0.414 मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये जो आपकी रेंज है 0.414 टू 0.732, यही तो है इसमें. अब ये जो वैल्यू थी ये किसके लिए थी, टेबल उठाइए और देख के बताइए, ये जो आपकी रेंज है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए थी. देख लीजिए टेबल, ये रेंज जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए थी, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा. और जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल. और ये जो 0.414 वैल्यू है उससे अगर ज़्यादा आती है, यानी कि इस रेंज में अगर आता है तो वो ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करेगा. तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है ये तो आपका है ही है, और सोडियम जो है आपका वो किसको अकुपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड को करेगा. तो देखिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने केवल इस रेंज से निकाल ली, इस वैल्यू को जज करके निकाल ली. तो देखिए इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले जो हमको निकालना था वो क्या था, देखिए ये आपका रेंज है ये भी आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे. तो यहाँ जो रिक्वायर्ड डेटा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन ए प्लस वो इसमें 6 या 4 मांगा जा रहा था, तो यहाँ पर हमने निकाला 6. क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है. ठीक है, ये जो आपकी रेंज है ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के लिए है. दूसरा हमसे क्या पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है कि सोडियम टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करेगा या ऑक्टाहेड्रल वाइड को करेगा. तो यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम प्लस ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल वाइड. ठीक है, तो देखिए बहुत आसान भी हैं ये न्यूमेरिकल, और अगर आप इनको अच्छे से समझे नहीं
तो बहुत टफ भी हैं। तो ये आपके फाइनली दोनों आंसर हो जाएंगे, मैं यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ, एक और दो, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पे समझ भी लीजिएगा। अभी देखिए हमने आपको स्ट्रक्चर टाइप नहीं बताया है, ऑक्टाहेड्रल होगा चाहें तो लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया है, बट हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसा कर लिया जाए, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ गिवन सॉलिड, जो भी आपका NaCl है उसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो ये आप सारी डेटा नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि ये जो न्यूमेरिकल हैं ये किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो सॉलिड में आपके पैक्ड पार्टिकल्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ कैटायन। देखिए रेडियस रेशियो का जो फॉर्मूला था, जरा उस पर ध्यान देंगे, रेडियस रेशियो का फॉर्मूला था आर प्लस अपॉन आर माइनस, यानी कि कैटायन का रेडियस न्यूमरेटर में होता था और जो आपका डिनोमिनेटर था उसमें एनायन का रेडियस होता था। तो कैटायन का रेडियस अगर बढ़ेगा उसके साथ साथ रेडियस रेशियो भी बढ़ेगा। और आपने अभी टेबल जब देखी है, अभी जो हम टेबल डिस्कस कर रहे थे, रेडियस रेशियो वाली टेबल जो थी जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो, स्ट्रक्चर टाइप सारी चीज़ें मेंशन थी, तो वहाँ पर हम ये देख रहे थे कि जैसे जैसे रेडियस रेशियो बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ केवल मैटर करती है, वो क्या है जरा देखते हैं। देखिए ये अगर आपका ज़्यादा होता है, ठीक है, ये अगर आपका ज्यादा आता है तभी तो बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर जब ज्यादा आएगा तभी तो कोऑर्डिनेशन, तभी आपका रेडियस रेशियो बढ़ेगा। तो यहां पर हम चाहें तो ये दिखा सकते हैं, जनरली यहां पर लिख सकते हैं लार्जर द साइज ऑफ कैटायन ठीक है, लार्जर द साइज ऑफ कैटायन, यानी कि R प्लस जैसे जैसे बढ़ेगा, और यहां पर लिख सकते हैं, ये चीज आप समझ गए होंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं बहुत आसानी से समझ गए होंगे, आई थिंक जो बायो लिए हुए हैं वो भी बहुत आसानी है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, 10th स्टैंडर्ड की मैथ है यहाँ पे, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है जो 12th स्टैंडर्ड का हो। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सभी आप लोग पढ़ते हैं, तो जो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा आती है, ये बहुत आसान है। तो ये आपका हो जाएगा हायर द कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि जितना हायर द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर इसको हम समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे, जैसे एक कैटायन है, ठीक है, इसके सराउंड आपने एनायंस अरेंज कर दिए, एक ये हो गया, ये इस तरह से हमने क्या किया, इसके सराउंड एनायन अरेंज कर दिए, ये एनायन कितने हैं काउंट करके बताइए, 5 हैं, ठीक है, तो कैटायन था, इसने 5 एनायंस को अपने अराउंड क्या किया, अरेंज कर लिया, यानी कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अभी हम क्या करें, एक दूसरा कोई मॉलिक्यूल, एक दूसरा आपका एटम ले लें या कैटायन ले लें, उसको साइज में थोड़ा सा क्या करें, बड़ा बनाएं, और जब साइज में बड़ा बनाएंगे तो ये जो आपके कैटायन हैं वो ज़्यादा नहीं अरेंज हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। देखिए इसमें कितने आपके कैटायन अरेंज हो जा रहे हैं, यहाँ पे 7 कैटायन अरेंज हो जा रहे हैं। तो जैसे आपका साइज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होते हैं, उसके अराउंड एनायन भी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन है, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया था, तो वो यही होता है कि जो कैटायन है उसके सराउंड नंबर ऑफ एनायंस, ठीक है, कितने एटम्स या
आयंस को वो क्या कर रहा है, अपने सराउंड अरेंज करता है या उसके कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, मैं इसको सी एन से दिखा रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 7 आएगा और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका 5 आएगा। यहाँ पर जो आपका ये है, ये क्या है, स्मॉल कैटायन, ठीक है, कैटायन का साइज छोटा था तो उसने ज़्यादा एनायंस नहीं अरेंज कर पाए। देखिए समझ सकते हैं ना अब तो, बहुत आसान है। ये जो पॉइंट हमने लिखा है इसको हमने डायग्रामिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया है, और ये जो आपका कैटायन है ये क्या है, लार्जर कैटायन, यानी कि इसका साइज ज़्यादा है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा आ गया। तो मैं इसको इंसर्ट में क्लोज किए दे रहा हूँ। जो पहला आपका फैक्टर है उसका डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है, एक दो और भी अगर चाहें तो आप उसमें लिख सकते हैं। दूसरा आपका जो फैक्टर है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या है, देखिए जैसे आपका प्रेशर बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोऑर्डिनेशन नंबर के। कैसे है मैं बता दूं आपको, बहुत आसान है। देखिए जैसे आपका ये कैटायन है, मान लो भी इसके चारों ओर एक और एनायन हो जो एडजस्ट होना चाह रहा हो बट स्पेस की वजह से नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, तो अगर उस केस में अगर आप प्रेशर को इनक्रीज कर देते हैं तो वहां पर क्या होगा, वो आपका एनायन जो है वो भी क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो भी आपका क्या होगा उस मतलब जो आपका कैटायन है उसको टच करने लगेगा, उसके उसी के सराउंड क्या होगा, अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक और एनायन ने क्या किया, टच किया कैटायन को, इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। तो जैसे आपका प्रेशर बढ़ता है वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये चाहे तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं एज द प्रेशर इंक्रीजेज कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है, दोनों चीजें साथ साथ बढ़ेंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे ही देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो ये जो जितने भी आपके कैटायन ये सराउंड हैं ये क्या होंगे, धीरे धीरे क्रिस्टल को लीव करना शुरू कर देंगे, और जब क्रिस्टल को लीव करना शुरू कर देंगे तो ये जो नंबर ऑफ एनायंस हैं अराउंड कैटायन, जब ये नंबर ऑफ एनायंस आपके कम होने लगेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, कम होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सराउंड एनायंस जो होते हैं वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है उसका इनवर्सली रिलेशन होता है, ठीक है, चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर नीचे लिख सकते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी डिक्रीजेज, ये क्या होगा, कम होता जाएगा। इसका एग्जाम्पल एक देते हैं आपको, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल। देखिए जो आपका NaCl स्ट्रक्चर है, NaCl वो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है, ये आपका एक रिवर्सिबल का साइन मेंशन कर रहे हैं। एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर हम मान लेते हैं कि ये प्रेशर का डायरेक्शन है, और नीचे आपका ये टेम्परेचर का डायरेक्शन है, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर को आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो NaCl का स्ट्रक्चर है वो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। अब देखिए इनमें अंतर क्या है, मैं बता दूंगा आपको, डिफरेंस ये है कि देखिए ये जो आपका है ये 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर में अरेंज होता है,
और ये आपका जो है ये 8 कोऑर्डिनेशन नंबर में अरेंज होता है। और एक चीज़ और भी बता दें, जितना ज़्यादा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है उतना ही स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो जैसे देखिए आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये 8:8 हो गया, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर 6 था पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर क्या है 8 हो गया। देखिए ये दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे हैं, कैटायन का भी एनायन का भी। तो यहाँ पर जैसे जैसे जो आपका कैटायन है, सॉरी जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है बढ़ता है, वैसे वैसे स्ट्रक्चर स्टेबल होता चला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो ये 6:6 से 8:8 में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखिए डाउनवर्ड हमने इस तरफ को एरो लगाया है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो 8:8 से होकर 6:6 में आ जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है, 8 से 6 में आ जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और यहाँ से आप प्रेशर और टेम्परेचर का जो इफेक्ट है बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, और अगर क्वेश्चन आता है कि आप स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो, तो बहुत बेस्ट आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ से मिल सकता है कि जैसे जैसे रेडियस रेशियो बढ़ता है, यहाँ पर नीचे चाहें तो उसको मेंशन कर सकते हैं, रेडियस रेशियो आपका जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ पर लिख सकते हैं, हायर द रेडियस रेशियो ठीक है, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ, मोर स्टेबल ऑफ, यहां पर लिख सकते हैं मोर स्टेबल ऑफ या चाहें तो लिख सकते हैं ये इस तरह से, अगर लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं हायर द रेडियस रेशियो, मोर इज द स्टेबल स्टेबिलिटी भी चाहें तो लिख सकते हैं ठीक है। जितना ज़्यादा आपका रेडियस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा जो आपका पैकिंग है, जो आपका सॉलिड है, वो स्टेबल होता जाएगा। तो ये आपका था रेडियस रेशियो। तो आपने आज देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस इस पे किए जाते हैं, और बहुत ही आसान होते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं, गलतियाँ कर जाते हैं। तो ये जो आपका आज का टॉपिक था रेडियस रेशियो, ये यहीं तक है, ख़त्म होता है। और अभी आपको वर्कशीट मिलेगी वीडियो के लास्ट में, और ये आपके जो वर्कशीट हैं इसके क्वेश्चंस आपके आज तक जो अभी हमने डिस्कस किया है उसी पर बेस्ड हैं। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नया वीडियो है उसका अपडेट आपको ज़रूर मिले। ये आपकी वर्कशीट है, 4 क्वेश्चंस हैं टोटल, एक आपका मल्टीपल चॉइस है, बाकी आपके 3 जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वो आपके सब्जेक्टिव हैं। तो ये आपको सॉल्व करना है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1st है उसमें आपको रिलेशन बताना है ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्टेटल वाइड वाले टेबल में जाके आपको ये पता करना है कि कितनी वैल्यू होती है उसकी, रेडियस रेशियो क्या होता है, उसके बाद में आप निकाल पाएंगे। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन है, इसमें आपको NaCl स्ट्रक्चर टाइप आपको दिया है, इस टाइप से आप कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका रेडियस रेशियो ऑब्जर्व करके जो आपका A+ है उसका या B- है उसका रेडियस आसानी से निकाल पाएंगे।